गुड मॉर्निंग एवरीवन, सिक्स क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो पिछले कल हमने जो वो एक्सरसाइज 4.4 को जो वो कंप्लीट कर लिया था, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे जो वो शायद 3 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन जो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम जो वो डायगोनल की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और उसके टाइप्स की हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आपको क्वाड्रिलेटरल का पता होना चाहिए, पी क्यू आर एस। तो आपने क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ड्रॉ इट्स डायगोनल, तो आपको डायगोनल का पता होना चाहिए। नेम देम, तो उनके नेम भी लिखने हैं। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो वो रहे इसके जो डायगोनल होंगे वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर आपस में मिलेंगे, वो आपने बताना है कि वो जो वो एक इंटीरियर पॉइंट होगा या एक्सटीरियर पॉइंट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटर होता है, क्वाड्रिलेटर मींस जिसकी 4 साइड्स होती है। ठीक है, फर्स्ट जो भी क्लोज फिगर हमने देखी थी वो होती है ट्राइंगल। ठीक है, 2 साइड से कोई भी क्लोज फिगर नहीं बन सकती। तो सबसे पहली जो क्लोज फिगर है वो ट्राइंगल है, जो कि 3 साइड से बनती है। उसके बाद आता है 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे ट्राइंगल के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है, आइसोसेलस होगी, ठीक है, स्केलिन होगी, तो कई सारे इक्विलेटरल होगी, ठीक है, तो कई सारी जो वो ट्राइंगल के भी टाइप है। तो वैसे ही क्वाड्रिलेटर मतलब जिसकी 4 साइड हो, अगर 4 साइड इक्वल होगी तो वो स्क्वायर होगा, अगर अपोजिट साइड होगी तो वो रेक्टेंगल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी तो वो रेक्टेंगल होगा, अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसकी जो वो साइड जो वो पैरेलल होगी। ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम होगा। रोम्बस मतलब कि उसकी सभी साइड इक्वल होगी, अपोजिट साइड पैरेलल होगी। ट्रेपेजियम होगा तो उसका एक साइड, ट्रेपेजियम देखिए कैसे होता है, ट्रेपेजियम जो वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब कि उसका ए वाले और ए वाले एक ही पेयर, ठीक है, एक ही अपोजिट साइड में जो वो पैरेलल होगा लेकिन एक साइड से ही, जैसे ए साइड पैरेलल है लेकिन ए वाला और ए वाला पैरेलल नहीं है, तो ट्रेपेजियम में ऐसी कंडीशन है। ठीक है, जैसे काइट होता है तो काइट भी जो वो एक क्वाड्रिलेटर का ही टाइप है। तो कई सारे टाइप है क्वाड्रिलेटर के भी। तो यहाँ पे ये बोला है कि एक तो क्वाड्रिलेटर बनाओ, ऐसा नहीं बोला है कि कौन सा बनाइए, स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगुलर बनाइए, ट्रेपेजियम, रोम्बस, कुछ भी बनाइए, ठीक है, पैरेललोग्राम बना दीजिए, कुछ भी बनाइए, लेकिन आपके अगर ये उसके जो वो डायगोनल बनाइए तो डायगोनल भी बना देंगे हम। ठीक है, फिर चेक करना है कि कहाँ पे जो वो मीट कर रहे हैं, एक्सटीरियर या इंटीरियर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो वो मान लो मैंने एक क्वाड्रिलेटर बना दिया, अगर ये जो क्वाड्रिलेटर है अगर इसका नाम आप बताना चाहो तो यहाँ पे देखिए पी है। ठीक है, सॉरी मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। यस, ठीक है, तो यहाँ पे जो वो पी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस फिगर को, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वो क्वाड्रिलेटर है इसकी 4 साइड है, क्योंकि अब क्वाड्रिलेटर में कौन सा है, ठीक है, वो बात करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ए वाला और ए वाला जो पैरेलल दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहीं भी आपस में जाकर के नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो आपका दूसरी साइड दिख रही है, जैसे ए है और ए है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ जैसे आगे जैसे ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ए तो पैरेलल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इसका वो एक पेयर ही पैरेलल हुआ। जहां पे एक पेयर पैरेलल होता है, 4 साइड होती है, तो उसको जो वो ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ए शायद जो वो ट्रेपेजियम बना है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर बना सकते हैं जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, आप चाहो तो रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल और पैरेलल, पैरेलल भी हो सकते हैं, अगर पैरेलल है तो इक्वल तो होगी। ठीक है, तो देखिए, तो अब बात करते हैं इसके डायगोनल की। तो यहाँ पे है पी पॉइंट, तो पी को आर से बनाया तो पी आर डायगोनल बना, अगर S को जो वो Q से मिलाया तो S Q डायगोनल बना। देखिए यहाँ पे जो वो O पॉइंट पे आपस में मिल रहा है, O पॉइंट पे ये आपस में मिल रही है, अगर ये O पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो यही पूछ रहा है कि ये जो वो इसके इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में हमने पिछले एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया, तो इंटीरियर मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो इंटीरियर होंगे, अगर इसके बाहर वाले जो पॉइंट होंगे वो एक्सटीरियर होंगे। तो ये तो अंदर है, अंदर है तो इसका मतलब है इंटीरियर है। तो क्या लिखना है, डायगोनल पी आर, एंड देखिए डायगोनल जो वो पी आर, एक डायगोनल पी आर है, एक डायगोनल जो वो एस क्यू है। ठीक है, एट ओ, तो मीट एट ओ विच इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटर, विच इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटर, बस इतना से लिखना है कि ये जो वो क्वाड्रिलेटर के अंदर है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें इसने बोला कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर के एल एम एन। ठीक है, के एल एम एन का एक रफ स्केच बनाना है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्वाड्रिलेटर बोल रहा है तो मैं क्वाड्रिलेटर बना दिया। देखिए, ठीक है, अब क्वाड्रिलेटर के कई सारे टाइप है, कोई भी क्वाड्रिलेटर जो वो यहाँ पे हो सकता है। तो के मैंने यहाँ पे ले लिया, के एल, और यहाँ पे एम ले लिया, और यहाँ पे एन ले लिया, के एल एम एन। ठीक
ठीक है। अब इसने आगे बोला टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो आप देख रहे होंगे अपोजिट साइड कौन कौन सी है इसकी, के एल और एन एम जो वो अपोजिट है तो लिख लेंगे, और के एन और एल एम अपोजिट है तो लिख दिया यहाँ पे, देखिए अपोजिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट इसने पूछा है टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे देखते हैं अपोजिट एंगल, एंगल के एंगल एम के अपोजिट है, एंगल एल जो वो एंगल एन के अपोजिट है, बस सिंपल से आपने लिखना था यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखते हैं ये जो के एन है, ठीक है, ये जो के एन आपको दिखाई दे रहा है, मैं कुछ और कलर यहाँ पे यूज करती हूँ, यस, तो ये जो के एन है यहाँ पे ए वाली साइड है, तो ए जो वो किसके एडजेसेंट है, मतलब इसके साथ वाला जो मतलब इसके नियर जो वो कौन सा है, इसके किनारे कौन सा है, मतलब इसके लगता हुआ कौन सा जो वो साइड है, कौन सा जो वो एज से है, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड बोला है, तो के एन के साथ जो वो क्या लगा है, एन एम लगा है, ठीक है, तो के एल के साथ जो वो एक के एल के साथ एल एम भी लगा है, तो के एल के साथ जो वो एल एम लगा है, तो इसको और इसको लिख लो और इन दोनों को लिख लो, ठीक है, बस ये हो गया इसके एडजेसेंट, सॉरी वो इरेज हो गया, फिर से बना देता हूँ, कोई बात नहीं है, के एल एम, सॉरी एम मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है, तो एन यहाँ पे होगा, ठीक है। लास्ट बचा है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, अब एडजेसेंट एंगल देखने हैं, तो एंगल के आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एंगल के मतलब एंगल ऐसे और के, मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था कि एंगल के को और क्या बोल सकते हैं, एल के एन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए एल और के को बीच में रखा और ये दूसरी साइड जो वो एन है, तो एंगल के साथ वाला कौन है, एन है, तो ये दोनों जो एडजेसेंट हो गए, ठीक है, और एंगल एल के एडजेसेंट कौन सा हुआ, एंगल एम हो गया, बस इतना सा लिखना था, तो यहाँ पे हमारे जो यस यहाँ पे जो वो फिगर बनी हुई थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।